हेलो गाइस, मैं नेशनल एथलीट अंकित शर्मा, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्फॉर्मेशन अड्डा पे। गाइस, DSSSB की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के आए जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। गाइस, ये नॉर्मल वैकेंसी है, इस नॉर्मल वैकेंसी के अंदर स्पोर्ट्स वैकेंसी रिजर्वड है, जो कि आगे बात करने वाले कितनी वैकेंसी इसमें रिजर्वड आई है, क्या एज लिमिट क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाला है, क्या अप्लाई किया है, क्या लास्ट डेट है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या रिटर्न एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, ऑल गाइस हम इन इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज गाइस आपका एक सब्सक्राइब मुझे मजबूर करता है और साथ साथ मोटिवेट करता है आपको टाइम टू टाइम अपडेट करने के लिए, क्योंकि गाइस आपके लिए मैं स्पोर्ट्स रिलेटेड वीडियो, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के अंदर जैसे कि CSF, BSR, रेलवे, इनकम टैक्स, CRPF, यहाँ तक कि जो नॉर्मल कोटा के अंदर रिजर्व्ड होती है स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट, वो भी टाइम टू टाइम मेरे द्वारा मेरे चैनल पर ऑथेंटिक तरीके वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा जाता है। जैसे कि अब ये DSSB की तरफ से निकल के आई है नॉर्मल वैकेंसी, गाइस इस नॉर्मल वैकेंसी के अंदर स्पोर्ट्स वैकेंसी रिजर्व्ड है, ठीक है, और स्पोर्ट्स कोचिंग की वैकेंसी प्लस स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट का छोटा से छोटा अपडेट जैसे कि ट्रायल लिस्ट, मेडिकल लिस्ट, एलिजिबल, नॉन एलिजिबल, एडमिट कार्ड प्लस फाइनल मेरिट लिस्ट, सब कुछ गाइस आपको वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा जाता है, आपका जो कॉन्सेप्ट है ऑल क्लियर किया जाता है। तो गाइस बिना देरी करते आगे बढ़ते हैं। तो गाइस जैसे मैंने अभी बताया, DSSSB यानी दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, दिल्ली जोन की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल गया है। इस नॉर्मल वैकेंसी के अंदर गाइस स्पोर्ट्स वैकेंसी रिजर्व्ड है। अब बात करें इस गाइस इसकी अप्लाई क्रिया क्या है, अप्लाई क्रिया गाइस इसकी ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, कोई गलती नहीं करनी, जो सिक्वेंस वाइज जो डॉक्यूमेंट मांग रखे हैं वही आपको अपलोड करने हैं। लास्ट डेट की बात करें तो 15/9/2023 यानी 15 सितंबर 2023 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो गाइस ये पोस्ट है, ये डिपार्टमेंट है, ये ग्रुप जिस ग्रुप BC में निकलती है ना, ये कैटेगरी वाइज गाइस वैकेंसी बांट रखी है। तो हम बात करेंगे स्पोर्ट्स वैकेंसी की। तो गाइस SP मतलब होता है स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है, तो स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर गाइस ना ही पब्लिक सिटी असिस्टेंट के अंदर आई है, ना फोटोग्राफर के अंदर आई है। तो अब बात करेंगे इसके अंदर वैकेंसी किस में आई है, तो आप देख सकते हैं लैब असिस्टेंट के अंदर गाइस इसके अंदर वैकेंसी निकल के आई है। SP मतलब गाइस स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है, और UR, OBC, EWS ये उन कैटेगरी जो इन कास्ट कैटेगरी के में आते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे स्पोर्ट्स पर्सन की, तो 5 वैकेंसी गाइस इसमें स्पोर्ट्स वैकेंसी के लिए रिजर्व्ड आई है, लैब असिस्टेंट के अंदर आई है गाइस, जो कि 4623 इसका पोस्ट कोड है। अब बात करें गाइस असिस्टेंट के अंदर आई है, जो कि 5 वैकेंसी 5 और 5 10, ठीक है, जो कि असिस्टेंट OTCSSD के अंदर वैकेंसी निकल के आई, ग्रुप सी की वैकेंसी है गाइस, ठीक है, इसका जो पोस्ट कोड है 4723 है। और इसके बाद टेक्नीशियन के अंदर आई है 4823 इसका पोस्ट कोड है, 3 वैकेंसी आई है, ठीक है। अब बात करें इसके अंदर रिफ्रैक्टनेस्ट के अंदर आई है, इसके अंदर वैकेंसी स्पोर्ट्स वैकेंसी 1 रिजर्व्ड आई है, जो कि 5223 इसका पोस्ट कोड है। अब आगे बात करें तो असिस्टेंट के अंदर आई है 5623 इसका पोस्ट कोड है, 1 वैकेंसी है। और फिजियोथेरेपिस्ट के अंदर भी कई इसके अंदर वैकेंसी आई स्पोर्ट्स पर्सन की, 1 वैकेंसी है, जो कि 5723 इसका पोस्ट कोड है, ठीक है। तो गाइस ये अपनी वैकेंसी आई है, जो कि आप टोटल 16 वैकेंसी टोटल गाइस इसके अंदर निकल के आई, स्पोर्ट्स वैकेंसी रिजर्व्ड आई, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। गाइस स्पोर्ट्स वाले जो बच्चे हैं वो इन पोस्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ये नहीं कि आप जैसे कि आप मान के चलो शुरू में जो पोस्ट की बात करते थे म्यूज़िक टीचर है, इसके अंदर पोस्ट नहीं आई है स्पोर्ट्स पर्सन की, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो स्पोर्ट्स वाले जो स्पोर्ट्स कैंडिडेट हैं जिनके अंदर वैकेंसी रिजर्व्ड आई है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करें मेन एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ऑब्वियस आप इसके अंदर आप अप्लाई सरलतापूर्वक ध्यानपूर्वक कर सकते हैं। तो गाइस ये अप्लाई करिए ऑनलाइन है, लास्ट डेट मैं दोबारा बता देता हूँ, 15/9/2023 टिल 11:59 PM, 12 बजे से पहले पहले आपको इसको फॉर्म फिल कर देना है, ठीक है। अब तो अब बात करें गाइस इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो कि मैं आपको बता रहा था पोस्ट कोड इसका, पहले तो मैं आपको पोस्ट कोड बता देता हूँ, 4623 है और 4723 है और 48 है, ठीक है, 46 47 48, ठीक है। और गाइस ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक उपलब्ध करा दिया जाएगा, सरलतापूर्वक ध्यानपूर्वक आपको उसको अच्छी तरह आपको पढ़ना है, डाउनलोड करना है, फिर अच्छी तरह देखना है कि आप उसके अंदर एलिजिबल है नहीं है। आप एलिजिबल हो तो ही आपको गाइस अप्लाई करना है, ये नहीं आप एलिजिबल नहीं हो तो आप अप्लाई कर देते तो आपका सिलेक्शन कैसे होएगा, ठीक है। तो गाइस इसके अंदर 4623 की बात करते हैं, जैसे मैं बता रहा था कि इसके अंदर वैकेंसी रिजर्व्ड आई है, ये आप देख सकते हैं 4623 इसका पोस्ट कोड है, जो कि शुरू में मैंने बताया था SP मतलब स्पोर्ट्स पर्सन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो गाइस इसके अंदर 10th है, HR सेकेंडरी, स्किनर सेकेंडरी, 10 प्लस 2 कर रखी विद साइंस,
ठीक है, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन फ्रॉम ए रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन, प्लस टू वोकेशनल कोर्स इन मेडिकल लेबोरेटरी के अंदर, और के अंदर ऑप्शन है गाइस, ठीक है। और इसके अंदर ना ही आपको कोई एक्सपीरियंस रहने वाला, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है, नील है, डिजरेबल है, ठीक है। आप फ्रेशर हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, बट एजुकेशन 10th और सीनियर सेकेंडरी प्लस टू आपने विद साइंस से करी हो, डिप्लोमा इन इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। तो गाइस आप देख सकते हैं लेबोरेटरी की पोस्ट है, तो ऑब्वियसली बात है मेडिकल लेबोरेटरी का तो इसके अंदर वो होना चाहिए आपके पास, ठीक है, डिप्लोमा। तो गाइस पे स्केल की बात करते हैं 25,500 से लेके 81,100 तक इसके अंदर आपका पे स्केल रहने वाला है, लेवल 4 के हिसाब से इसके अंदर आपका पे स्केल रहने वाला है। 4723 पोस्ट कोड की बात करते हो गाइस, आप देख सकते हो इसके अंदर भी 5 स्पोर्ट्स पर्सन की वैकेंसी रिजर्व आई थी, और इसके अंदर भी आप देख सकते हो आप 10th कर रखे, प्लस टू कर रखे विद साइंस फ्रॉम रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन बोर्ड, ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स फ्रॉम रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन। इसके अंदर भी गाइस ग्रुप सी की वैकेंसी है 19,900 से लेके 63,200 तक का इसके अंदर आपका पे स्केल रहने वाला है। एज लिमिट की बात करते हो तो गाइस ऊपर लेबोरेटरी की तो 18 से लेके 27 है, और इसके अंदर भी 18 से लेके 27 इसके अंदर रहने वाला है, ठीक है। और इसके बाद टेक्नीशियन की बात करते हो 4823 गाइस इसका पोस्ट कोड है, और स्पोर्ट्स वैकेंसी 3 आई है इसके अंदर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हो 10th है, और प्लस टू विद साइंस फ्रॉम रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन बोर्ड, ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स फ्रॉम रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन, 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, ओटी असिस्टेंट इन ओटी सीटीएस, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, ठीक है, गैस प्लांट। तो गाइस ये सारा कुछ दे रखा है, ठीक है। तो गाइस मैं पूरा बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, सरलतापूर्वक देखना है कि आप इसके अंदर एलिजिबल हो या नहीं है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जरूर देखना है गाइस। स्पोर्ट्स वैकेंसी तो गाइस मैंने बता दी कि इन पोस्टों के अंदर ये स्पोर्ट्स वैकेंसी रिजर्व्ड है, ठीक है। तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन जरूर देखना है, ठीक है। तो उसी भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके पे स्केल की बात करें तो 25,500 से लेकर स्टार्ट होगा, जो कि 81,100 तक रहेगा। लेवल 4 के हिसाब से पे स्केल इसमें मिलने वाला है। ग्रुप सी की वैकेंसी है। एज लिमिट क्राइटेरिया की बात करें तो 18 से लेकर 27 साल तक इसके अंदर एज लिमिट क्राइटेरिया रहने वाला है, ठीक है। तो गाइस ये पूरा पोस्ट का पूरा इसके अंदर रिक्रूटमेंट दे रखा है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और गाइस इसके अंदर रिटर्न होगा आपका, ठीक है, जो कि हाउ टू अप्लाई करिए ऑनलाइन है इसकी, आपको मैंने शुरू में बता दिया था। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। हाउ टू अप्लाई करिए ऑनलाइन है, और 15/9/2023 से पहले आपको अप्लाई कर देना है। एप्लीकेशन फीस की बात करते हो 100 रुपीज़ इसकी गाइस फीस लगने वाली, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। एग्जामिनेशन स्कीम की बात करते हो गाइस, 1 टायर के अंदर आपका इसके अंदर पहले रिटर्न होगा, जो कि आप देख सकते हो। टेक्निकल टीचिंग जो कि CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका ऑनलाइन इसके में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि टोटल क्वेश्चन 200 के होंगे और टोटल मार्क्स 200 के होने वाले हैं, ठीक है। सिलेबस की बात करते हो गाइस, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटीज, अर्थमेटिकल, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ इंग्लिश, तो सब कुछ गाइस इसके अंदर आपसे पूछा जाने वाला है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। 1 टायर टीचिंग, 1 टायर जनरल, 1 टायर टीचिंग, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हो गाइस, आपको पहले शुरू में ही रिटर्न इसका होगा, जो कि देख सकते हैं। दी सिलेक्शन शैल बी मेड थ्रू 1 टायर एग्जामिनेशन स्कीम, ठीक है। अब बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो गाइस इसके अंदर आपको एज रिलैक्सेशन SC ST वालों के लिए 5 ईयर्स का मिलने वाला है, OBC वालों के लिए 3 ईयर्स का है, PWBD वालों के लिए 10 ईयर्स का है, PWD SC ST वालों के लिए 15 ईयर्स है, PWD+OBC वालों के लिए 13 ईयर्स मिलने वाले 13 साल के लिए। ये एज रिलैक्सेशन है गाइस, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। गाइस ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, आपको अच्छी तरह पढ़ लेने हैं, जैसे कि दी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज एक्सपीरियंस एंड अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर दी पोस्ट शैल बी डिटरमाइंड एज ऑन 15/9/2023, ठीक है। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है गाइस, आपको अच्छी तरह पढ़ लेने हैं, ठीक है। तो गाइस ये अपने DSSB की तरफ से निकल के आई है, जो कि नॉर्मल वैकेंसी के अंदर स्पोर्ट्स वैकेंसी रिजर्व्ड है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। गाइस मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ कि आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन जरूर देखना है। यदि आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं देखते, चलो आपने ये तो देख लिया कि आप जिस पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, उसके अंदर तो वैकेंसी है ही स्पोर्ट्स वैकेंसी, ठीक है। प्लस आपको ये भी जरूर देखना है कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। आपके पास वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो ऑब्वियसली आप इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं सरलतापूर्वक, ध्यानपूर्वक। और गाइस आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना भी है, ठीक है। तो गाइस इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें। जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और गाइस आप बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक पहले इन्फॉर्मेशन अपडेट तक आप तक पहुँचे।
और गाइस एक अपना टेलीग्राम चैनल भी है जो कि स्पोर्ट्स कोटा जॉब्स के नाम से है, आप सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम में, आपको शो भी हो जाएगा। हालांकि वहाँ नहीं होता तो गाइस इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, सरलतापूर्वक ध्यानपूर्वक इस टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से इसे लिंक को क्लिक करके यहाँ पर जुड़ सकते हैं। गाइस यहाँ पर भी आपको सरलतापूर्वक ध्यानपूर्वक स्पोर्ट्स रिलेटेड वीडियो प्लस स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का छोटा सा छोटा अपडेट यहाँ पर भी आपको अपडेट करा जाता है सरलतापूर्वक ध्यानपूर्वक। तो गाइस इस चैनल पर भी प्यार दिखाए, इस चैनल से भी जुड़े। तो गाइस मिलते आपको स्पोर्ट्स रिलेटेड वीडियो प्लस स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।